गुस्सा नहीं करते, अच्छा गुस्सा नहीं करते। ज्योति ये वही वाला डॉग है जो कल आया था एग्रेसिव, एग्रेसिव बता रहे इसको। मेरे को गार्ड डॉग लग रहा है, एग्रेसिव नहीं लग रहा। मेरे गार्ड डॉग होते हैं ना आसपास नहीं आने देते किसी को। जैसे डॉग जैसे जब हो जाता है ना तो वैसे रिक्वेस्टिंग वे में वैसे आवाज कर रहा है, पपी वाला आवाज। ठीक है बस इतना परेशानी थी अभी के। मेरे को कुछ घंटे की ब्रेक लेनी थी, दौलत राम जी जा रहे थे मैक्लोडगंज प्रोडक्ट देने, तो मैं उनके साथ हो लिया। मैंने कहा उस गाय और बछड़े पे नज़र मार लेंगे, और रस्ते में आप देखो ये इतने सारे गाय बैल बैठे हैं, ये बछड़ू बैठा है। लोग कहते हैं घर ले जाओ, कितनों को ले जाएंगे हम? उन्हीं को ले जा सकते हैं भाई जिनको लगी है चोट, वो भी ऐसी चोट जिसे हम ठीक कर सकते हो। फिर हम उसे ले जाते हैं, उपचार करते हैं, वापस वहीं सड़क पर छोड़ देते हैं। उसके आगे राम जी देखेंगे हम इतना ही कर सकते हैं। पीछे घर में उठवा के ले जाएंगे हम ना। बछड़ा आया हुआ क्या, सुबह का हमें कॉल आई थी, गिरा है शायद ना कहीं और उठ नहीं पा रहा है, तो वहाँ के जो लोकल डॉक्टर्स हैं उन्होंने क्या हुआ सर अपना ईयरफोन सर क्या यहाँ गिरा था क्या आपको ईयरफोन? मुझे पता नहीं कहाँ गिरा। फिर यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? खैर हाँ फोन आया था सुबह कि बछड़ा गिरा हुआ है ना, दो उठ नहीं पा रहा है। अभी हमने उनको क्लियर कर दिया था कि हम डाउन का वैसे लेते नहीं है, अब देखते हैं। ये रात को कोई गाड़ी वाला मार गया था मेरे कजन के घर के बाहर, तो उसका मुझे सुबह फोन आया कि ऐसे ऐसे मार गया, तो फिर अभी हम उसको यहाँ पे लेके आए। अच्छा रात को ही मारा है? रात को मारा था, सुबह दिखाया उसने, सुबह डॉक्टर बुलाया था, उसने इंजेक्शन लगाया कोई और वो चले गया। तो फिर ले रहे हो तुम? देखो क्या होता है ना कि डाउन गांव में भी अगर 48 आवर्स के पास से ज़्यादा का समय हो जाए ना गाय बैठे हुए, तो मुश्किल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तब तो लगभग ना के बराबर हो जाता है। जैसे रीसेंट है, जैसे वो बता रहे हैं कि कल रात में ही हुआ है, तो फिर पॉसिबिलिटी है। हाय करो विकी को, हाय करो मोगलू, हाय कर दे मेरी लड़की गुस्से क्यों पड़ी, हाय कर दे। ये लड़का लड़की है? मोगली है ना, क्या आई मेल? तो फिर आपने लड़की बोला ना, बात करने का एक लहजा होता है ना, मेरा तरीका मेरी मर्जी, कैसे बोलूं मैं उसको, ये जल रहा है। मतलब जेंडर नहीं बदल सकते ना जी? माय गॉड, व्हाई आर वी स्टिल हियर जस्ट टू सफर। तुम्हारे मम्मी पापा ने कभी बोला था मेरा पुत्र मेरी चीज कुछ ऐसा? तुम्हारी बहन है? नहीं है। नहीं है तो फिर तुझे कहां पता, बकवास बन कर अपनी बेटी को बोलती पुत्र इधर आ जा, तो क्या वो पुत्र बन गई? तो बेटी को तो पुत्र बोल सकते हैं ना वो। ओह माय गॉड, तो ये इनमें और इनमें क्या फर्क है? ओके चेंज द टॉपिक दीदी, कैसे चल रहा है इसका, इसका बिहेवियर वगैरह? मैंने कहा सुना बहुत सुधर गया आपने, इतने अच्छे से ट्रीटमेंट करा इसका। वो क्वाइट रहता है, अपने में ही रहता है, ज्यादा किसी के साथ इतना फ्रेंडली नहीं है कि जाके खेले किसी के साथ, बट ऐसा भी नहीं है कि किसी को आके अटैक करे। देखो भला मैं बिना मजल के इसको सब कुछ कर रही थी, बस अभी लास्ट का लास्ट स्टेज चल रही है ना इसकी रिकवरी की, इस पे एक बार स्किन आ जाएगी फिर हम रिलीज करेंगे इसको। हाँ दीदी, ये जो बैल सुबह आया था वो है ना, ये काफ बेटा है ना, काफ है ये। हाँ बुल मतलब काफ, छोटा बच्चे काफ। डी मैं कर देते इससे पहले मक्खी अंडे देना स्टार्ट कर रही है, मेरे को लगता है ना जैसे छोटा। अच्छा ये जो घिसा हुआ है, ये जो व्हाइट व्हाइट है सर, और इस देखो ये मक्खियों के अंडे ही होने। घिससे लगे हुए ना इसकी तो। हाँ सर ऐसे एक्सीडेंट लग रहा है आपको, ऐसे ऐसे क्यों लग रहा है? ऐसा लगा शिकार कराओ किसी ने इसका, डॉग्स ने हमला करा है ना सर, ज़्यादा स्क्रैचेज हैं। इतने ज़्यादा स्क्रैचेज एक डॉग के कैसे हो सकते हो, दांत भी तो लगाएगा ना, सिर्फ स्क्रैच थोड़ी करेगा सर। यहाँ भी चोट है, वही देखते हैं कि नॉर्मल ट्रीटमेंट चलेगा, क्लीनिंग करके फिर फ्लाई रिपेलेंट ऑइंटमेंट लगाएंगे हम, ताकि मक्खियाँ ना बैठे अंडे ना दें। अब वैसे तो मैं आपको किस मुंह से कहूँ, उस दिन मैं खुद स्प्रे भूल गया था, अब मैंने अपने बैग में ये टॉपी क्योर स्प्रे जो है रख लिया है, तो आप टॉपी क्योर डी मैग रख सकते हो। कोई आपको घायल सड़क पर जानवर मिल जाता है तो उसको आप कम से कम स्प्रे लगा दो, कीड़े नहीं पड़ेंगे। दूसरी बात ये जो कि किसी ने कमेंट में मुझे याद दिलाई पिछले ब्लॉग के कि भैया आपके पास स्प्रे नहीं था, आपको कहीं मिला नहीं, तो हल्दी तो आप खरीद के लगा ही सकते थे, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। प्लस हमने इसको पेन किलर एंटी इंफ्लेमेटरी और नर्व सपोर्टिस पे रखा है, प्लस हम इसको ब्लड सपोर्टिस पे भी रखेंगे क्योंकि इसकी CMM से हमें पता चला है कि एनीमिक है।
सीमा निकाला मैंने CMM CMM होते हैं कंजक्टिवल म्यूकस मेम्ब्रेन, जैसे कि हम अपनी आंखों को ऐसे रिट्रैक्ट करते हैं तो देखने के लिए कि यहाँ पे ब्लड कितना है, इन्फेक्शन कितना है। अगर ये ज़्यादा रेड होंगे तो इन्फेक्शन होगा, बिल्कुल वाइट है तो ब्लड की बहुत कमी होगी, पिंक है तो नॉर्मल है। तो ऐसे हम गायों में भी कुत्तों में भी चेक करते हैं और किसी जानवर में भी चेक कर सकते हैं, इंडिकेटर ऑफ इन्फेक्शन या एनीमिया। स्पॉट से तुम्हें डर लग रहा है, तुम तो यार ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे वो जो कुत्ता काट लेता है। कैसे देखता है? बाकी जानवरों को देखो सर, वो कितने प्यार से देखते हैं। हाँ तो क्या हो गया, देखो जाओ उसके पास, बैठो पत्थर पे, बैठो तो सही, बैठो मेरी मान लो। अगर अगर काट लिया उसने तो तुम्हें मैं दूंगा 10,000 रुपये। और उसके अब देखो जहाँ पूंछ पूंछ के आसपास सहलाओ उसको। हाँ देखो पूंछ हिला रहा है वो, देखो दोस्ती हो गई। मुझे लगता है एक बार हमें किसी चीज़ की समझ आ जाए ना, फिर उससे हमें कम डर लगता है। अब आप देखिए सड़क पे गाड़ियाँ हैं तो खतरा, पर उससे हम डर के दुबक के घर में थोड़ा बैठ जाते हैं। जब हम छोटे होते हैं हमें समझाया जाता है ना कि भाई सड़क क्रॉस करते हुए लेफ्ट राइट देखो, गाड़ी तेज़ आ रही है तो रुक जाओ, क्योंकि सड़क से गाड़ियाँ गायब तो होने से रहीं। इसी तरह सड़क से कुत्ते गायब तो होने से रहे, तो हमें कुत्तों को थोड़ा समझना होगा कि भाई जब उन्होंने बच्चे दिए हैं तो वो थोड़ा प्रोटेक्टिव होके गुर्राते हैं, जब हम भाग रहे हैं तो वो खेल खेल में हमारे पीछे पड़ जाते हैं। जैसे ये लोग इस समय खेल रहे हैं आपस में, और जिसे कुत्तों की समझ नहीं है तो वो ये सोच सकता है कि भाई इनकी लड़ाई हो रही है। तो एक बार ही ये सारी चीज़ें समझ आ जाएं तो हमें कुत्तों से डर नहीं लगेगा। नला रहे हैं इसको, बदमाश को झेलने को, इतनी बदमाशी करती है पूरे फार्म से। राधा दीदी की तरह राधा दीदी की तरह बैठ गई चुपचाप, कह रही नहला लो जल्दी से। आ जाओ बच्चा मेरा, आ जाओ, मैंने नहीं नहाना है आपने नहाना है। पानी डालते हैं सर पे, तो डॉग की जो कान होते हैं ये इस तरह थोड़े से बंद कर देने चाहिए ताकि कान में पानी ना जाए और इन्फेक्शन होने का डर ना रहे। कान में हल्का से पानी जाने से इन्फेक्शन हो जाता है? हाँ इन्फेक्शन हो जाता है ना डॉग्स को, तो ध्यान रखने की चीज़ें हैं जब ये डॉग को अपन नहलाते हैं। रॉकी को रिलीज कर रहे हैं। हाँ जी, हूफ इंजर्ड था, काफ़ी बुरी तरीके से डैमेज था हूफ, हीलिंग तो हो गई है। अब प्रॉब्लम ये है ना कि नीचे का हिस्सा है जहाँ पे पहले इंजरी थी ना, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होल्स हैं। अच्छा। तो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं। ओके। तो वही हमारा डर यही था कि हम अगर इसको रिलीज़ करेंगे तो कहीं नमी या कोई गंदगी की वजह से इन्फेक्शन वापस अंदर ना चला जाए। अभी क्योंकि काफ़ी दिन से अच्छी धूप पड़ रही है तो ड्राई है सब कुछ, वुंड हील हो गया है, इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन री इन्फेक्ट ना हो जाए ये सोच के हम थोड़ा रुक रहे थे। अब वही हम वेट करेंगे कि पूरा हूफ अच्छे से डेवलप हो जाए, सीलेंट हो, मतलब बिना यूज़ किए तो पॉसिबल नहीं है, अभी तो नहीं है, महीनों लग जाएंगे। फिर ठीक है तेरा तो काफ़ी फर्क है, अब ठीक हो जाएगा तो ले जाएंगे हम। अच्छा अब तो ठीक है, अब क्या रोना जो कांगड़ा वाला डॉग, बैठ जाता हूँ। हाँ जी क्या हो गया? कांगड़ा वाला जो डॉग था बेल बॉटम, उससे मिलने अभी 5वीं बार को आ रहा है, 3 दिन हो गया लगातार, सुबह शाम टाइम बहुत चला जाता है। शाम को तो वैसे ही नहीं अलाउड लोग, फर्स्ट डे शाम को आए थे ना, फिर मैंने उनको, चलो आंटी आई थी एक लेडी बूढ़ी सी थी कांगड़ा से आई थी, मैंने मिलने दिया। फिर सेकंड डे फिर एक कपल आए, फिर उसके बाद 2-3 घंटे बाद ही फिर एक फैमिली आई, अभी फिर कोई मिलने आया है उससे आज। टाइम बहुत चला जाता है सर हमारा। अब एक बार प्यार से बता दो कि हमारे लिए दिक्कत हो रही है क्योंकि और एनिमल्स भी है ना यहाँ पे। वो भी बेचारा सैड हो जाता है इनके जाने के बाद, रोता है वो भी ना थोड़ी देर तक, काऊं 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 करता है। समझा देते, मैं समझाऊं? नहीं मैं एक बार फिर से बात कर लेती हूँ, कोई नया पर्सन आया है फिर से, बाकी तुमने कम्युनिकेट कर दिया ना। हाँ आप लोग बुरा मत मानिएगा, नहीं बात है ना, हम नहीं मानते बुरा। बैठे, क्या हुआ इसको? ये बीमार है। बीमार है? ब्रीडिंग वाला डॉग है? हाँ जी अमेरिकन डॉग। ब्रीडिंग करवाते हो ये पूछ रही हूँ? नहीं बच्चे दिए इसने, कराए बच्चे इसने? मेल करवाए आपने? नहीं नहीं अभी नहीं है, अभी तो 8-9 महीने का बच्चा है। करवाओगे आगे? आगे करवाऊंगा, मतलब भाई ब्रीडिंग ही करवानी है ना आपने, ऐसे ले लिया था? नहीं नहीं ये तो घर पे पालने के लिए। तो आपने वहाँ पे दिखवाया था डॉग को? हाँ जी बहुत जगह आपने, जितने भी पास में वेटरनरी डॉक्टर। हाँ उन्होंने क्या बोला था आपको? कोई बोलने के हमारे पास नहीं इलाज हो रहा तो आप आगे पीछे लेके जाओ। ये प्रिस्क्रिप्शन लाए हो साथ में? लोकल अस्पताल है फिर वो नहीं है। नहीं देखिए अगर आप ऐसे डॉग रख रहे हैं हर किसी इलाज के लिए तो प्रिस्क्रिप्शन आपको रखना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपके डॉग का क्या इलाज किया गया है। मान लो कोई ऐसा इंजेक्शन लगा दिया कि उसका गलत असर हो गया या कोई टॉक्सिसिटी हो गई, आप दूसरे जगह लेके जाओगे तो पता तो होना चाहिए ना लगा क्या है करके। तो आगे के लिए मैं बोल रही हूँ कि डॉग
क्योंकि ये जो डॉग्स होते हैं ब्रीड वाले वो बहुत ज्यादा सेंस। चलो भेज लियो डॉक्टर को। आपने तो कान कटवा रखे इसके? ये पहले के हैं जिससे लिए। नहीं कान कटे हैं तो बाद में कटे। नहीं नहीं पहले के हैं जिससे मैंने खरीदा ना, तो बचपन में इनके कान कट कर देते हैं ब्रीडर्स। अब अगर आप किसी डॉग का कान काटते हैं तो उस समय तो उसको दर्द होगा ही होगा, पर उसके बाद आजीवन कभी भी वो बारिश में आपके साथ है, आप उसको नहला रहे हो तो उसके कान में पानी जा सकता है और उसके कान में एक गंदा इन्फेक्शन हो सकता है। राजा तेरी किस्मत अच्छी है कि बकरों के कान नहीं काटते, नहीं तो तू तो गया था। सबकी नहीं होती लक्ष्मण, बाहर तो बकरों के गले ही कट जाते हैं। बाकी उनको इंटरेस्ट है नहीं सुनने में। वो खुद बता रहे हैं कि ब्रीडिंग के लिए रखा है डॉग को, यही होगा जरूरी। ऊपर से हंस, उस डॉग की कंडीशन देखी तुमने, इसलिए ज्यादा गुस्सा आया मेरे को। उनकी शक्ल देख के नहीं, वो डॉग की कंडीशन देख के ज्यादा। वो तो उनके लग ही रहा था कि बच्चा पैदा करने के लिए आए हैं। ठीक हो गया, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली टिक फीवर ही लग रहा था मुझे, क्योंकि फीवर की हिस्ट्री थी पहले से और उसकी वजह से उसको जॉन्डिस पे डेवलप हुआ था। जॉन्डिस के लिए दवाई भी दे दी थी, ब्लड टेस्ट हमने करा लिए थे और उसके हिसाब से हमने ट्रीटमेंट करा के मॉडिफाई भी कर दी थी। तो भाई सर, जगजीत सिंह लगा रखा है किसी ने, ये तुम्हारे काम लग रहे हैं मुझे। नहीं साहिल भाई, ट्रीटमेंट के टाइम लगा लेते हैं जगजीत सिंह। हमें कोई भी गाना था कि जानवर शांति से ट्रीटमेंट करा ले। ओ ये आया है कल बच्चू, इसका नाम नहीं रखा ना मेरे को, ज्योति को बताना, इसका नाम जोगी है। जोगी जोगी, हिमांशी दूध दे रही है तो हम हिमांशी को इसका दूध पिला देंगे। बछड़ों का यही चक्कर पड़ता है कि बिना दूध के वो ना ऐसे कमजोर से हो जाते हैं, तो ज्योति कह रही है कि जितनी दवाइयाँ हिमांशी को हम दे रहे हैं ना, उसका दूध हम किसी को भी नहीं दे सकते, ना बछड़ों को ना कुत्तों को। ये वो है ना हमारा सो कॉल्ड अग्रेसिव डॉग, हटो। बट लगा नहीं सर एग्रेसिव, वही तो मैं कह रहा हूँ, सो कॉल्ड नाम बद से बदनाम बुरा वाली बात है। पर चक्कर पता क्या है, हम इसको कैस्ट्रेट भी कर देंगे। अरे मत ले, ले पकड़ ले, ले। वो खुद डरा हुआ है, वो खुद डरा हुआ है। चक्कर ये है कि हम इसको कैस्ट्रेशन भी कर देंगे, वहाँ पे आके छोड़ कर देंगे। लोगों के अंदर ये दिमाग में बैठा हुआ ये अग्रेसिव है, वो कैसे हटाओगे? आप इंसान को बदल सकते हो ना सोच, नहीं इंसान की सोच, मतलब हम डॉग को बदल सकते हैं पर इंसान की सोच को बदलना मुश्किल है। कंफ्यूज कर दिया बिक्की तुमने मुझे। कैद में बुलबुल, इसका नाम हम बुलबुल रख सकते थे, है तो ये बुल ही। ज्योति से मुझे बात करनी थी, पर ज्योति को देख के मेरे को लगने लगा मुझे उससे बात करनी चाहिए, बाद में करेंगे। ब्रेन का कुछ है हमारे पास? बढ़िया चल रही है, अच्छी रिकवरी, पर इसके लिए अब की बार घर चाहिए होगा। हाँ जी, अब नहीं छोड़ सकता क्योंकि ऑलरेडी इतना इसका स्किन वो हो गया, वीक हो गया है और इसका इन्फेक्शन भी क्रॉनिक इन्फेक्शन है। इंटरनली इतने एंटीबायोटिक यूज हो चुके हैं कि वो रेजिस्टेंस भी आ गई है बॉडी में, है ना। वो तो ठीक है, टॉपिकल ट्रीटमेंट ज़्यादा असर कर रही है, मेडिकेटेड बात है, सब कुछ है, लेकिन इंटरनली इज नॉट स्ट्रॉन्ग इतना, अभी भी वो खाना। पर जो हमें कैंसर का रिस्क लग रहा था वो अभी तो सब डिस्चार्ज वगैरह सब कुछ खत्म हो गया है। हम फिर भी एक बार बायोप्सी कराने का सोच रहे हैं। कल रात को मैं बैठ कर ना कमेंट्स पढ़ रहा था, एक इतना रूड वो मैसेज आ रखा था हमारा कि जी हमने संडे को फ़ोन किया, उन्होंने तो फ़ोन नहीं उठाया। एक तो हमारी रेस्क्यू लाइन ना सातों दिन चलती है, दूसरा अगर हम संडे को ब्रेक ले भी लेते हैं तो बाकी छः दिन तो हम काम कर रहे हैं ना, तो जिस सरकार को आप टैक्स देते हो, काउसेस देते हो, उनसे जवाब दे ही लो ना, हमारे पीछे पड़ जाते हो। ऐसे लोगों को कह रहा हूँ, हाँ मतलब कि हद है यार, हद है, मतलब हम अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं ना, ऑफ आर ओन वॉल्यूशन। मुझे ज्योति का एक फीडबैक देना है, ज्योति इज ऑन टॉप ऑफ स्टफ। जब ज्योति आई थी ना हमारी एक चीज पे ना वो होता था, ज्योति अब भूल जाते हो, अब भूल जाते हो, अब लिखा करो लिखा करो, और अब लाइक यू नो सब उसको याद रहता है। अब बस मतलब मैन फोर्स की कमी की वजह से कई बार चीजें नहीं होती, पता नहीं कितनी चीजें बोलती हूँ, कुछ चीजें बढ़ गई तो वह या तो चीजें इतनी सारी हो गई है कि इतनी सारी भूलने के बाद भी जो याद रहती हैं वो काफी सारी लग रही हैं। एक याद लेके आया ना सुबह नवीन, मेरे को पूरी कंप्लीट बैक स्टोरी नहीं पता है, जितना पता है उसमें यह है कि डॉग्स अटैक कर रहे थे, अडल्ट कैट है लेकिन बहुत छोटी है, ब्लैक कलर की, वो सेफ फील कर रही है, आराम से केज में बैठी है, डिहाइड्रेटेड है। लेकिन अब मेरे को यह है कि इन पेशेंट वाइज तो हमारे पास ना तो जगह है ना ट्रीटमेंट वाइज टाइम है, है ना, तो अब मैं उसको रिलीज भी नहीं कर सकती लोकली, क्योंकि आपको भी पता है यहाँ डॉग्स वो प्रोटेक्ट तो कर नहीं पा रही है सब, तो क्या हम उसे अडॉप्शन के लिए, हाँ देख लो अडॉप्शन के लिए तो हमारे पे
कैट्स तो चली जाती हैं। मैं दो साल से काम कर रही हूँ और मैं फोकस करती हूँ वैक्सीनेशन एंड स्टरलाइजेशन में। हम चाहते हैं कि ह्यूमंस और एनिमल्स का कॉन्फ्लिक्ट कम हो, इसलिए हम इन्हें स्टरलाइजेशन के लिए कराए हैं। अच्छा, और चार हैं अभी और लाएंगे। सो इन चारों के नाम क्या होंगे? कल जब चार्जिंग ट्रीटमेंट के लिए साहिल सेंचुरी गया था हमारे, उस टाइम पे लौटते वक्त उसको ये डॉग मिला। क्या हुआ इस डॉग को? फ्रैक्चर हो गई इसकी टांग। कैसे? डॉगी ने इसकी टांग को ना काट लिया। आपके डॉगी ने काटा इसकी टांग? ये जो पीछे चली है। कुछ 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 इसने काटा इसकी टांग को। सही, ग्लव से पकड़ेगा। नट क्या डालना भाई इसको? नट डालूंगा, तुम बोलेंगे इसने कुत्ते को नट डाल दिया। ये बात भी है। कहां जीऊं मैं, मेरे को जीने से दो। जैसे आपको डर लग रहा है, ये काट भी सकता है आपको। ये काट रहा है, मैं पहले देख लेता हूं। क्या हुआ साहिल भाई, अब नेट से पकड़ेंगे? नेट से पकड़ लेते हैं, क्या करना है बाबू। धन्यवाद। आसपास पे पता किया तो लोगों ने बताया कि किसी ने अबैंडन किया है, रिलोकेट किया है और इसके हाइंड लेग में फ्रैक्चर है। अंदर बोन टूटी है और काफ़ी थोड़ा कैलस फॉर्म होने भी लगा है, लेकिन बोन अलाइनमेंट बिल्कुल सही नहीं है ना, तो वहाँ पर बोन क्रिएट हो सकते हैं क्योंकि एक नुकीली बोन थोड़े टेढ़े एंगल पर जा रही है। आरजे बैंडेजिंग कर रहे हैं। आरजे पूरे प्रोसीजर को बोलते हैं, जैसे कि पहले हमने बोरिक पाउडर लगाया था कि सारी टांग ड्राई हो जाए, इसमें कोई भी वेट स्पॉट ना रहे, क्योंकि अगर वेट स्पॉट रहेगा तो ह्यूमिडिटी बनेगी, तो वहाँ पे थोड़ा सा इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहता है। फिर हमने उसके ऊपर कॉटन का लेयर लगाते हैं, फिर बैंडेज से उसको सिक्योर करते हैं, फिर एक और कॉटन लेयर लगाते हैं, फिर उसको बैंडेज से सिक्योर करके उस पर क्रैप बैंडेज करते हैं ताकि थोड़ी सी टांग को इमोबिलाइजेशन अच्छी मिले। अच्छा, ये पूरा प्रोसेस आरजे बैंडेजिंग होता है। तो ये एक्सीडेंट केस लग रहा है या बाइटिंग केस? लाइक फुल स्टोरी पता नहीं, बट लुक्स बिट मोर लाइक अ डॉग बाइट। तो भी हम रेबीज वैक्सीनेशन देना पड़ेगा। मैं रॉबिन बनने की एक्टिंग कर ये तुम्हारे इलाके का ही है? ये लोकल है, ये काम नहीं आ रही है। तो तुम मुझे बताओ, तुम भी वो वीगन हो? वीगन इशू, वीगन है। हाय, 3 साल से फॉलोअर हूं आपको। हाय, अब आज मैं फ्लाई स्प्रे लेके उन माँ बच्चे से मिलने आया हूँ, तो मुझे वो मिले नहीं है। अगर आपको पता नहीं है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो हमारा पिछला व्लॉग देखिएगा। अब अगर मुझे यकीन होता ना कि भाई उस माँ बच्चे को मैं ले जाता हूँ तो उनके लिए मैं अच्छा ही कर रहा हूँ, तो मैं उन्हें ले जाता, पर मुझे पक्का नहीं था कि भाई बच्चे को हमारे यहाँ जाके कोई इन्फेक्शन नहीं हो जाएगा, कोई बैल उसे मार नहीं देगा, गाय कोई स्ट्रेस में नहीं आ जाएगी, तो इसीलिए मैं उनको लेके नहीं गया। नहीं तो महीना दो महीना हम रख के छोड़ते। मैं ईमानदारी से कहूँ तो आलमगीर की डेथ के बाद ना थोड़ा मेरा अपने में फेथ ना हिल गया है। हाँ, जब हमारा नया अस्पताल खुल जाएगा, उसमें मेटर्निटी वार्ड भी है, बछड़ों के लिए एक अलग कमरा भी होगा, तो बैलों से दूर रहेंगे, उनको हम गर्म भी रख सकते हैं, तब एक अलग बात होगी। तो 3-1 महीने लगेंगे खुलने में, जून एंड तक तो हमें खोल ही देना है कुछ भी करके। व्लॉग में आपको पता तो लगता ही रहेगा। अच्छा, एक बात और है, क्योंकि आप हमारे साथ यहाँ तक बने हुए हैं, तो प्लीज़ आप व्लॉग को लाइक कर दो, शेयर भी कर दो। आप ऐसा कर रहे हो तो पिछला हर व्लॉग हमारा 50,000 व्यूज़ पार कर रहा है। हमारा 100,000 का टारगेट है, आपको मुझे इकट्ठे वहाँ पहुँचना है।